एक बड़ी ब्यूटीफुल लाइन लोग कहते हैं ना कि मुझे याद आता है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वूमेन, है ना, और ऐसा कहा जाता है, और बिहाइंड एवरी अनसक्सेसफुल मैन देयर इज अ लॉट्स ऑफ वूमेन। तो अब कम बैक टू द टॉपिक कि अगर ध्यान दो तो हमारे इर्द गिर्द जो वुमेन होती है ना, तो अगर देखा जाए तो वुमेन के तौर पे एक हमारी मदर हो सकती है, माँ हो सकती है, वुमेन के तौर पे एक हमारी गर्लफ्रेंड या वाइफ हो सकती है, और तीसरी वुमेन जो हो सकती है वो एक फ्रेंड हो सकती है, और चौथी वुमेन जो है वो हमारी सिस्टर या रिलेटिव में जो भी आप रख लें। अगर मैं उन लगभग उन वुमेन्स की बात करूं, तो चाहे वो आपकी माँ हो, बहन हो, आपकी बीवी हो, या आपकी अगर अच्छी गर्लफ्रेंड हो, तो कोई भी वुमेन ये नहीं चाहता कि आप नाकामयाब ना हो। अगर बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन अगर इन्हीं वुमेन का हाथ है, तो हर वुमेन तो चाहती है कि उनसे उनका भाई या उनका पति या उनका बेटा कामयाब हो। भाई तो सभी को कामयाब हो जाना चाहिए, लेकिन द रियल डिफरेंस इज दैट कि कामयाबी सिर्फ वुमेन के चाहने से नहीं मिलती या वुमेन के सपोर्ट से नहीं मिलती। आपकी मम्मी क्या आपको सपोर्ट नहीं करी, सिस्टर नहीं करी किसी की गर्लफ्रेंड, दो चार को एक्सेप्शन हटा दे तो इन जनरल हर किसी का पार्टनर भी करता है कि भाई कमाओ मेहनत करो, तो सपोर्ट तो सभी का होता है, लेकिन कामयाब वो होता है जो खुद मेहनत करता है। और इसी चीज का कॉन्सेप्ट जो है वो पूजा के साथ भी होता है। लोग कहते हैं कि नहीं भगवान की पूजा करो, डेफिनेटली करो, वो एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है, आई टोटली एग्री विद दैट, बट उससे कामयाबी नहीं मिलती। कामयाबी उससे पॉजिटिव एनर्जी को उसको मेंटेन करने भी आना चाहिए, उसको कन्वर्ट करने भी आना चाहिए, ठीक है। वो एक अगर आप बहुत नेगेटिव हो गए हो ना, तो आप इस चीज को थोड़ा यूज करो अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी से भरने के लिए। बट अगर टोटल टाइम जो है अगर आप यही करोगे, किसी ने जो है एक बोला था ना कि मुझे बड़ा एक बड़ी बड़ी ब्यूटीफुल वो किसी इंग्लिश स्पीकर ने बोला था, बड़ा अच्छा लगा था, कि कई सारे लोग जो है किसी चीज को भी स्टार्ट करने के लिए एक परफेक्ट टाइम का वेट करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग इज द परफेक्ट टाइम। अगर आप परफेक्ट टाइम का इंतजार करें स्टार्ट करने के लिए, तो सबसे गलत अप्रोच है। आप स्टार्ट कर दो वही परफेक्ट है। इफ यू स्टार्ट समथिंग राइट नाउ दैट्स परफेक्ट। लोग परफेक्ट टाइम कभी नहीं आएगा। तो वो चीज मुझे यही लगता है कि इफ यू रियली वांट टू बी सक्सीड इन एनी थिंग, इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ, इन एनी वेयर, आइदर इन टीचिंग, आइदर इन द रिसर्च, आइदर इन पीएचडी, आइदर इन जॉब, आइदर इन एनी वेयर बिजनेस, वॉट एवर इट इज, डू या कह सकते तुरंत स्टार्ट करो। उसके लिए कोई ये वेट नहीं करना कि ये मुहूर्त निकालेंगे, ये करेंगे, ऐसे करेंगे, ये पॉजिटिव एनर्जी मूड, ये सब कोई मूड नहीं होता। मूड और टाइम, मुहूर्त, ये सब कुछ सिर्फ अपने आप को एक कह सकते प्रोक्रेस्टिनेशन करने का बहाना होता है। इफ यू रियली वांट टू चेंज योर लाइफ, जस्ट स्टार्ट राइट नाउ, व्हाट एवर योर मूड इज, व्हाट एवर योर सिचुएशन इज, जस्ट स्टार्ट राइट नाउ, चाहे वो प्रिपरेशन हो चाहे चीजें हो, ठीक है। लेकिन लोग कहते हैं नहीं कल नहा धो के जो है पूजा करेंगे तब ये मुहूर्त निकालेंगे, ये काम करना कल से शुरू करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। तुरंत जिस दिन आपने ये जान गए ना कि, और सिर्फ आपके करने से होगा। लोग चाह सकते हैं, किसी एक खूबसूरत शायर ने एक बहुत सही बात बोली है ना कि सिर्फ सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सिर्फ सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। तो सिर्फ सोचने से अगर सब कुछ मिल रहा होता तो नहीं मिल सकते, आपको चलना जरूरी है। एंड चलो, सिर्फ चलते रहो, कहीं ना कहीं पहुंचोगे वो मंजिल, हो सकता है बेहतर हो, नहीं हो, वहां से चलते रहो, रुको नहीं, रुकोगे तो समझ लो कहानी खत्म है, ठीक है। और रेस्ट इज योर चॉइस, आपकी पर्सनल चॉइस है। ये मेरी छोटी मोटी जो सीख है, मैंने लाइफ से जो सीखी है वो यही सीखी है कि जितना हम चीजों का वेट करते हैं उतना वो हमें वेट करवाती है। काम करना शुरू कर दो, चीजें अपने आप होती चली जाए। कोई हर फील्ड के लिए नहीं बना होता है, ठीक है, और यू कैन बी स्ट्रांग इन एनी फील्ड। रोनाल्डो हर चीज परफेक्शन के साथ नहीं कर सकता, विराट कोहली हर चीज परफेक्ट नहीं कर सकता, जितना अच्छा अरिजीत सिंह गा सकता है वो विराट कोहली नहीं कर सकता। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट आप किसी न किसी चीज के लिए बने, और नहीं भी बने हैं तो डू इट, स्किल डेवलप करो, ठीक है, बस वो हो जाएगी। लोग बहाने देखो करने के लिए हजार जो है, ना करने के लिए हजार वजह, या कह सकते हैं कि बहाने छुपे हुए, और करने के लिए एक वजह भी है तो आप कर सकते हैं। ये तो आपके ऊपर है, पर्पज है आपके पास, आपको करना है कि नहीं करना है, या बैठ के सिर्फ एक्सक्यूज ढूंढना है, मेरे पास पैसा नहीं है, फैमिली का सपोर्ट नहीं है, ये टेंशन नहीं, वो मतलब लिटरली बच्चों के साथ ये होता है कि बच्चों के पास आईफोन होता है और वो आईफोन से मुझसे कहते हैं कि सर 1000 रुपए और कम कर दो मेरा सब्सक्रिप्शन में। अब वो आईफोन खरीद के अगर चला रहे तो उसका मतलब उसकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है 8000 से तो बेहतर ही होगी, 8 लाख तो नहीं माना, 80,000 तो नहीं कोर्स कर, लेकिन आप सोच सकते हो क्योंकि उसे करियर में इन्वेस्ट नहीं करना। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जहां पे इंसान को जहां फोकस करना चाहिए, दिन भर रील्स में वेस्ट कर देगा लेकिन वो सच में उस टाइम को आउटपुट पे लेके नहीं आएगा, और फिर चिल्लाता रहेगा कि समय नहीं है, चीजें नहीं है, मेरे पास नहीं, सब कुछ है। पता हम सिर्फ अपने आप को लिटरली बता रहा हूं कि सब कुछ आपकी ब्रेन की उपज है। आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन है। आप जितने भी एक्सक्यूजेस निकाल रहे हैं वो आपके दिमाग का एक ऐसा हिस्सा है जो आपको हराना चाहता है,
जो एक कह सकते कंफर्ट जोन ढूंढना चाहता है, और आप अगर आपका दिमाग का दूसरा हिस्सा बैलेंस होगा ना, वो आपको कहेगा नहीं पढ़ो। इसी दोनों की जद्दोजहद में जिंदगी तबाह होती है या बन जाती है। जिस दिन काम करने वाला हिस्सा थोड़ा ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा, उस दिन आपको उसकी लत लगती चली जाएगी। एक बार आपको लत लगा काम करना तो फिर आप रुकोगे नहीं, लेकिन जब जैसे जैसे आप अपने आपको एकदम भोंदू बनाते चले जाओगे, उस दिन फिर बैठते ही चले जाओगे। ये सिर्फ यहां से होता है, जिसने यहां से खेला वो गया, और कोई फायदा नहीं है। चाहे करो चाहे मत करो, फिर वही बात है, जिंदगी 60 साल की है, सभी को निकल जाना है। जियो पढ़ो, लेकिन ये तो सिर्फ सुकून की बात होती है कि किसको चाहिए क्या। ऐसे सिचुएशन देखो, इंसान को अपनी 60 साल की ऑन एन एवरेज अगर सब कुछ सही रहता तो वो जीना ही पड़ता, वो जियोगे ही, कहीं जाओगे नहीं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज ये होती है ना कि हमें उस चीज को कितना बेहतर लिख के जाना है। मतलब हम जब अपने आखिरी मोमेंट में, कई बार ये चीज एग्जांपल दे चुका हूं, ये मैं कई सारे आर्टिकल्स पढ़ता हूं, मुझे बड़ी इंटरेस्ट है साइकोलॉजी से रिलेटेड, ब्रेन बिलीव्स इन सब चीजों पे पढ़ता हूं, इवोल्यूशंस कैसे चीजें। तो ऑल दो जितनी भी चीजें हैं सब मैन मेड है, सारी के सारे रिसर्च मैन मेड है, सारा साइंस मैन मेड है, सारी जो है वो लिटरेचर मैन मेड है। जब ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ उसी के बाद सब आया है, ह्यूमन के इवोल्यूशन के पहले का कुछ नहीं है। ये ध्यान रख लो कि नेचर जो है वो ह्यूमन की, वो जितनी भी चीजें आपके पास है, चाहे जो भी लिटरेचर आप पढ़ते हैं, वो सिर्फ ह्यूमन के ब्रेन, ह्यूमन के इवोल्यूशन के बाद की ही है। ह्यूमन के पहले का कुछ ऐसा नहीं है जो किसी चीज को प्रमाणित करता हो, यानी हमने ही सब चीजों को रिसर्च करके क्रिएट किया है, और हम ही उसी चीज को बार बार उलझा समझा जो भी कर रहे हैं करते चले जा रहे हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट पीस ऑफ योर लाइफ, और हमारे ब्रेन का सबसे कह सकते हैं अच्छी और सबसे बेकार चीज है कि ये मानता नहीं है, क्यूरियस होता है। ह्यूमन माइंड का सबसे खतरनाक चीज यही है, कुत्तों का या किसी भी जानवरों के पास जो दिमाग होता है वो क्यूरियस नहीं है, थोड़ी चीजों के लिए क्यूरियस होता है, उसके पास शांत है। लेकिन हमारा दिमाग चंचलता से भरा होता है, जानना चाहता है, चीजों को परखना चाहता है, और इसी चक्कर में हम बहुत चीज अनसेटिस्फैक्ट्री मूवमेंट्स करने लगते हैं, और ये सब चीजें अल्टीमेटली लाइफ को ऐसे जगहों पे लेके जाती है जहां पे आपके पास रिग्रेट ज्यादा हो जाते हैं, और फिर लास्ट स्टेजेस थोड़े अच्छे नहीं बीतते, बस बात इतनी है। एंड मैं बस इतना चाहता हूं कि एज अ ह्यूमन बीइंग आप अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और उसको अच्छा बनाए, क्योंकि आप कर सकते हैं, किसी और के हाथ में नहीं है।